हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में। टैली में जो कॉस्ट सेंटर फीचर्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सैलरी पेमेंट कैसे करते हैं एम्प्लॉय को। तो चलिए आज आप टैली में सीखने वाले हैं कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या अपना ही काम संभाल रहे हैं और आपके पास बहुत सारे वर्कर हैं, आप चाहते हैं उनको पेमेंट करना, तो आप पेमेंट शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, उसका आप रिपोर्ट कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्किप करके और एक न्यू कंपनी बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, आपको फॉलो कीजिएगा, आसानी से आप भी कर पाएंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होने वाला है। तो एक कंपनी हम मान लिया जाए ASD के नाम से बना रहे हैं, इंडिया और बिहार। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टेट बिहार और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली डिटेल्स हम नहीं डालते हैं, आप एक एक करके डाल लीजिएगा। यहाँ पर आज जो हम ऑप्शंस आपको बताने वाले हैं वो है ऑप्शंस कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर फीचर्स इनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 प्रेस करने हैं और जाने हैं आपको अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में जाइएगा तो एक ऑप्शन मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स का यहाँ आपको दिख जाएगा, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद फाइनली आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्केप से बैक जाना है और अकाउंट्स इन्फो में जा करके लेज़र बनाना है। तो लेज़र आपको एक बनाना पड़ेगा सैलरी का, जो कि अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल लीजिएगा, इंटर करेंगे और ये जो ऑप्शंस आपको कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल दिख रहा है इसको यस कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। स्केप से बैग जाना है और बैग जाने के बाद पुनः आपको अकाउंट्स इन्फो में ही इंटर करना है और एक ऑप्शन आपको कॉस्ट सेंटर का दिखेगा, इस पर जाइएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा। एक ऑप्शन आपको क्रिएट का दिखेगा, यहाँ पर जाना है और एक कॉस्ट सेंटर के लिए नाम तैयार कर लेना है जिसे मुझे पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे चार नाम तैयार करते हैं बिकॉज चार व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाहते हैं। राहुल अंडर प्राइमरी में डालें, एक हम सोनू का बना लिए अंडर प्राइमरी में डालें, एक मोनू का बना लेते हैं अंडर प्राइमरी में डाल देते हैं, एक अनिल का बना लेते हैं अंडर प्राइमरी में डाल देते हैं। तो ये चार इम्प्लॉयज़ का मैंने नाम यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट कर रखा है। अब एक एक करके इसे पेमेंट कैसे हमें करना है कॉस्ट सेंटर के थ्रू, चलिए देखते हैं। बैग जाएंगे हम लोग, जाना है हमें अकाउंटिंग वाउचर में और इंटर प्रेस करना है। पेमेंट के लिए शॉर्टकट की F5 होता है, आप F5 प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे पेमेंट का बॉक्स आपको दिखेगा। सैलरी डालेंगे, आपको कितना पेमेंट करना है, तो चार आदमी है, अगर 10-10 हज़ार चारों को देते हैं हम तो 40 हज़ार से हम इसको डेबिट कर देते हैं। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर्स यानी अनिल को कितना देना है आपको, तो 10 हज़ार, इंटर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अच्छे तरीके से। मोनू को कितना देना है, 10 हज़ार, इंटर करेंगे यहाँ से और इंटर करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट राहुल को देना है 10 हज़ार और इंटर करेंगे और लास्ट पेमेंट आपको सोनू को देना है 10 हज़ार, इंटर करेंगे। अब क्रेडिट में आप पेमेंट के रूप में कैश दे रहे हैं या बाई चेक दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं तो आप यहाँ से कैश डालेंगे, इंटर करेंगे और एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे हम लोग, BEING सैलरी पेड, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करके उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।